नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दीन दुनिया। इस वीडियो को देखने से पहले बराए मेहरबानी हमारा चैनल लाइव हिंदुस्तान सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं इमरान खान। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद इजरायली फौज यानी आईडीएफ के तर्जुमान रियर एडमिरल डेनियल हगरी ने साफ कहा है कि जो वक्त हम चुनेंगे उसी वक्त पर जवाब देंगे। इन सब के बीच अब ईरान और इसराइल की कशीदगी इलाकाई संघर्ष के अलावा शिया और सुन्नी की लड़ाई में तब्दील होती जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि यहूदी अक्सरियत वाले इसराइल से ईरान की जंग में शिया सुन्नी की बात कहां से आ गई, तो जरा गौर से सुनिए। सुन्नी अक्सरियत वाले गल्फ के मुल्क शिया मुल्क ईरान के हमले की न सिर्फ निंदा यानी मजम्मत कर रहे हैं बल्कि अमेरिका और इसराइल का साथ भी दे रहे हैं। जी हां, मुसलमानों की हुकूमतें इसराइल का साथ दे रही हैं और देंगी। ये सुनकर आपको शायद अटपटा लगा होगा लेकिन ये सच है। दुनिया भर में करीब 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं। इनमें से लगभग 20% मुसलमान मिडिल ईस्ट और गल्फ ममालिक में रहते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा तादाद सुन्नी मुसलमानों की है। मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब जैसे मुल्कों में सुन्नी आबादी 90% से ज्यादा है। ईरान, जबकि अकेला ईरान में 90-95% आबादी शिया मुसलमानों की है। इसके अलावा इराक, कुवैत, यमन, लेबनान, कतर और सीरिया जैसे ममालिक में शियाओं की अच्छी खासी तादाद है। ईरान खुद को शिया मुसलमानों के लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश करता रहा है और मिडिल ईस्ट से लेकर मशरिक वुस्ता तक अपना दबदबा बनाए रखने के लिए शिया अक्सरियत वाले मुल्कों की इंतहा पसंद तंजीमों को सपोर्ट भी करता है। ये इल्ज़ाम उस पर हमेशा से लगता रहा है। दुनिया जानती है कि शिया और सुन्नियों के बीच जबरदस्त कशीदगी है। मुसलमान चाहे माने ना माने, शिया और सुन्नी दो अलग अलग कौम हैं, एकदम जुदा। भले ही वो एक कुरान और शरीयत को मानते हैं लेकिन प्यू रिसर्च का एक सर्वे बताता है कि ज्यादातर सुन्नी शियाओं को मुसलमान ही नहीं मानते। दोनों के बीच ये दूरी अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद से शुरू हो गई थी। शिया हजरत अली को इमाम तो सुन्नी हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना पहला खलीफा मानते हैं। शियाओं में इमामत है तो सुन्नियों में खिलाफत चली। शिया मानते हैं कि गदीर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को अपना नायब करार दिया था लेकिन सुन्नियों में इसको लेकर मतभेद है। खैर, इसके बाद की तारीख खून से रंगी हुई है जिसमें करबला की शहादत भी शामिल है। इस पर हम कभी तफसील से बात करेंगे। सुन्नी मुसलमानों में वक्त के साथ सलफिज्म या वहाबियत भी शामिल होती चली गई। सऊदी अरब, यमन, कतर जैसी हुकूमतों ने इसे सपोर्ट किया लेकिन ईरान ने मिडिल ईस्ट से लेकर मशरिक़ वुस्ता में अपना दबदबा बनाने और शिया ताकत को बढ़ाने खास हिकमत अमली के तहत काम किया। इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान की नज़र में अमेरिका और इसराइल उसके दुश्मन नंबर एक थे। इसराइल को कंट्रोल में रखने के लिए ईरान ने सुन्नी अक्सरियत वाले फलस्तीन की तमाम लड़ाका तंजीमों को एक किया और मदद भी की। इसी तरह हूती बागी, जो कि यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा को बढ़ाने से रोकने की जद्दोजहद में कई बरसों से काम कर रहे हैं, उन्हें ईरान का सपोर्ट है। साल 2000 की दहाई में हूती बागियों ने तो बाकायदा अपनी आर्मी ही बना ली है। जानकार मानते हैं कि कई दहाइयों से मध्य पूर्व में सुन्नी बहुल मुल्कों और ईरान के बीच तनाव रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में जुटा रहता है जिसे सुन्नी मुसलमानों के मुल्क रोकना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ईरान को छोड़ दिया जाए तो मध्य पूर्व के कई देशों का रवैया भी इसराइल और अमेरिका के तई नर्म रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात और इसराइल के बीच 4 साल पहले सियासी ताल्लुकात नॉर्मल हो गए हैं। सऊदी अरब और इसराइल के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए बातचीत चल ही रही थी कि हमास ने 7 अक्टूबर को हमला कर दिया। जॉर्डन और इसराइल के बीच 1994 से ताल्लुकात हैं। जॉर्डन दूसरा अरब मुल्क है जिसने इसराइल के कयाम को मंजूरी दी है। कयाम इसराइल को मान्यता देने वाला पहला मुल्क है मिस्र। ज्यादातर सुन्नी मुल्क इसराइल को लेकर नर्म हो चुके हैं। ऐसे में इसराइल और ईरान के बीच आगे किसी भी तरह की जंग में
सुन्नी मुस्लिम मुल्क कुछ खुलकर तो कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका और इसराइल के साथ ही जाएंगे, ये तय है, क्योंकि ये यहूदियों और मुसलमानों की नहीं बल्कि शिया और सुन्नियों की जंग है, आप माने या ना माने।